सो हेलो नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सबै सन्चै हौँ। अनि धेरै पछि भ्लग बनाउँदैछु आज, अनि यत्रो महिना दिनसम्म भ्लग नबनाएको त्यसैले हटली सरी। अनि अब चाहिँ भ्लग रेगुलर आउँछ, सो टाइटल देखेर नै थाहा पाइसक्नु होला आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर। सो हामी चाहिँ अब रेडी भइसक्यौँ, अब हामी चाहिँ हिँड्न लगाएको सामान पनि प्याक भइसक्यो। हामी चाहिँ पन्जाब जाँदैछौँ दिदी भेनाको घरमा। सो अब चाहिँ अब मम्मीसँग बिदाबारी भएर अब हामी चाहिँ लाग्छौँ यहाँ घरदेखि। सो त्यही हो, सामान रेडी भइसक्यो। यहाँ एउटा झोला, दुइटा झोला, हिरो 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 कृष्णहरूबाट उता जाँदाखेरि फोन गर्ने। अब सिसाराम जान्छु, अब के अरे अनलाइनमा गर्न पनि अब पैसाले गर्छ, नम्बरमा गर्छु कि मैले नम्बरमा। अब मेरो पालो बिचमा लगाइदिउँ क्या, धेरै नोट लगाइदिनु जानु लाग्छ। राम्रोसित जाने, पहिलोचोटि इन्डिया दिदीलाई भेट्न जाँदैछौ? मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है गाइस इन्डिया। अब आइएम एक्साइटेड, भाग्य माने रहेछ। कपुर कहिले बुढो छोड्न जाने, कहिले दिदी भेट्न जाने। नयाँ सालको उस हेर्दै थियो कि नै, कहिले त मेरो साल राम्रो हुने। सो गाइस अब चाहिँ रेडी भएर निस्किसकेको छौँ हामी चाहिँ घरदेखि। गयौँ भाइ भाइ, ख्याल राख्नु आफ्नो। दाम हेरौँ नि, लेट्स गो। जुली बाई बाई बाई। अब त्यो त्यसको उस छैन, त्यहाँ रङ छैन, अब आउँदा बाक्लो हुन्छ। लेट्स गो गाइड्स। ल हामी चाहिँ लागेको है अब साथीहरू, बाई 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 बाई। सो गाइज हाम्रो गाउँ चाहिँ यहीँनिर छ, अब चाहिँ हामी बाटोमा गाडी कुर्दैछौँ। केही हुन्न क्या त्यति त, बाटोमा गाडी कुर्दैछौँ, अब गाडी चाहिँ यो साइडबाट आउनुपर्ने हो। सो हामी चाहिँ गाडीमा बसिसक्यौँ, अब दुई घन्टाको बाटो छ, त्यसपछि कृष्णनगर बोर्डरमा पुग्छौँ। त्यस्तै गर्नु अब इन्डिया जान लागि त हल्का फुल्का हिन्दी बोल्नै पर्यो, सो द्याट हामी चाहिँ आधी हिन्दी आधी नेपाली बोल्छौँ। नै नै भयो, फेरि पक्रा लाग्छ बाटोमा। त्यो गाइज हाम बोदरपे आ चुके है, अब हाम नास्ता खाली है, त्यो अब हाम थोरै देरमै जाइँगे कहाँ पन्जाब। हामी चाहिँ अब गाडीमा बसिसक्यौँ, के भन्छ होला कार, हामी मोटो के त नेपालमा हुन्छ त्यो बुझ्नु सक्दैन। अब चाहिँ सर पन्जाबतिर है, अनि छ दाइ छ दुःख पाउनु पर्दैन, छकै छ दुःख पाउनु पर्दैन, दुई दिन काटेको मेजर छको विश्वास त गर्नुपर्छ दाइ। सो गाइज हामी चाहिँ आधी बाटोमा आइसक्यौँ, भर चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्पमा आएर रोक्यौँ। पेट्रोल पम्प यस्तो छ, एकछिन फ्रेस भएर त्यसपछि हामी भोलि बिहान पुग्छौँ सायद। भोलि बिहान कति बजी पुग्छौँ थाहा छैन, भोलि बिहान सायद छ सात बजे पुग्छौँ होला। अस्ति थकेला देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेस, बल्ल हालत खराब भयो, इन्डिया इन्डिया भने होइन यस्तै हुन्छ। अब चाहिँ हामी खाना खान आएको यहाँ कति बजी भयो, रातिको अब यहाँ खाना खान आएको दस बाँकी छैन है।
10 बजेको रातको बल्ल अब खान खान आफ्नो यहाँ मलाई त केही खान मन लागेन के खाने हो र जे जे पाइन्छ छ नि लाग्यो आ कस्तो भयो नि लाग्यो नि ल अब खाना खाएर त्यसपछि सिधै भोलि बिहान भेट्छौँ है त ल ल खाना आयो खाना के हो यो तन्दुर रोटी चिकन दाल आमा ल भानी आयो अन्त्यले खान्न म त मलाई कस्तो बम्ब्या लाग्छ गर ल ल खाऊ राम्रोसँग टन्न खाऊ त्यसपछि अनि जानी सर र अब भोलि बिहान पन्जाब लुधियाना तो गाइस हम लोग को पता नहीं कौन सी जगह पर है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर खाना वाना खा लिया है सब कुछ ये वाली जगह है यहाँ पर फिलहाल तो कुछ नहीं खाया मैंने बहुत सारे रोटी और चावल खाया बाकी लोग खा रहे हैं और हमने तो सबसे पहले जाके खा के आ चुके हैं अब हम लोग चलेंगे यहाँ से पता नहीं कल सुबह पहुंचेंगे शायद पंजाब और कल सुबह राधे ब्लॉग को हम लोग मिलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे तो इस गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं पंजाब तो आपका सफ़र कैसा रहा है मैडम बहुत बहुत ही क्या बोलूं बहुत ही अच्छा मेरा हालत देख के आप लोग समझ चुके होंगे कष्ट से बाबू रमाइलो भयो एकदम तिम्रो नाम के अरे सन्देश मजा आछ सो अल राइट गाइज हम लोग कहाँ पर है हम लोग दिल्ली हम लोग न्यू दिल्ली दिल्ली पर है अभी शायद ये रास्ते जाता है उधर पंजाब और थोड़ी देर में शायद 5-6 घंटे में हम लोग पंजाब ही पहुँच जाएंगे फुल ले आने तो कैसा रहा यहाँ तक का सफर आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे थोड़ी देर में पहुँचेंगे अब कितना टाइम लगेगा यहाँ पर चाय चुई पीने के लिए रुका है अभी तो फ्रेश फ्रेश होके वॉशरूम वॉशरूम जाके आ चुके हम लोग तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है आप लोगों को दिखाते हैं सो गाइस हम लोग यहाँ पर सिवा ढाबा पे है और ये ढाबा दिल्ली में है शायद वाओ कस्तो मजा लाग्यो कस्तो मजा लाग्यो धन्न बात म त अब म कति लामो लाग्यो रात पनि बसमा आज सजिलो हुन्छ दुईजना मात्र भइन्छ मजाले सुत्न मिल्छ सुत्न मात्र अप्ठ्यारो हुन्छ कहाँ कारण अरू सब त्यो पछि त्यो अङ्कलले झन् एसी लाएर कस्तो म त्यति किन कहाँदेखि हावा घुसियो भित्र भनिरहेको छु अगाडि पो रहेछ कहाँ अङ्कलले एसी लाएको थियो अङ्कलले त अगाडि ऊ गरेको थियो झ्याल खोले थियो कि दुइटै राति सुत्ने बेला त लगाएको थिएँ यस्तो भएर सिट पनि यसरी सुतेको अरे मात्रै लिएर कस्तो भएको आफू सुत्ने बेला त सुतेको थिएँ त्यतिखेर त म एकछिन कति बेर बाहिर गएर बसेँ अझै गुगलको म्याप अनुसार 7 घन्टा लेखाएको छ सबैले त्यही भन्दाखेरि मैले गल्ती सबै यति देखिँदैछ त्यही त हामी मैले त्यही थाहा पाएको थिएँ सो फाइनली गाइज हम लोग लुधियाना पहुँच चुके हैं अभी तो यहाँ का व्यू ये देख सकते हो आप लोग लुधियाना के पता नहीं सेनेवाल है क्या क्या नाम है इसका ये जगह का पता नहीं तो फाइनली पहुँच चुके अब हम लोग आधे घंटे में घर ही पहुँच जाएंगे तो अभी ड्राइवर साहब उधर गए हुए और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है हमारा आपको कैसा हुआ है बहुत अच्छा आपके पैर देखा तो इधर मोटा हुआ है खूब बहुत ज़्यादा मोटा हुआ है तो हमारा हम दोनों का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है अब जाके रेस्ट करेंगे और नहा धा के हम लोग फिर से घूमने निकलेंगे तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए अब कैसे कैसा वीडियो आएगा आप लोग देखते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए अब सीधा हम लोग राधे ब्लॉग के साथ
जाके मिल के वीडियो बनाएंगे, देखते रहना। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं, यहाँ पर लुधियाना के ऑफिस में जगह पर है अभी सर। हम लोग दीदी बहना के वेट कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर है मेरे बीवी, मैं भी मास्क लगाए हुए, चश्मा भी मेरे पास भी है और इसके पास भी। अब हम लोग वेट कर रहे हैं जीजा जी और दीदी का, पता नहीं कहाँ पर है। नहीं नहीं पता नहीं कौन सी जगह है वो, नाम नहीं पता है। नंबर वो आ गए, जीजा जी आ गए। ये देखो ये आ चुके हमारे जीजू और दीदी। चलो वेलकम वेलकम बस खुल्ला पाइने हल्दी नमिले आठ जना थिए, पछाडी तीन जना केटाहरू, अगाडि एक जना। आठ जना खुट्टा यस्तो फिजारेर सुत्न पाएन त सुतेर आए म। एक फूल दो माली, सुबह भरो शाम को खाली। तो अब हम पी रहे नींबू पानी लुधियाना का। चीयर्स 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 चीयर्स। डिजाइन बनाना आउँदैन मलाई यस्तो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं डीसी बॉय के घर में। पंजाब के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बना ना। तो मैं सावर लेके अब फ्रेश हो चुकी हूँ, अब विशाल जा रहे है। यो दिदी का तर्फबाट, यो हाम्रो तर्फबाट, यो कान्छा तर्फबाट। गर्मीमा कहाँ बच्चा सेकिन्छ र, सेक्नु पर्यो नि जाडोमा, चाडो पनि हुन्छ। खै विशाल त हाम्रो भान्जा इधर सो रहे। आई डोन्ट नो ब्लगिङ गर न या ठिक देखियो त्यही टावल लिन्छु कि भयो। गाइज आजको लिए यही तक था हाम्रो भिडियो ब्लग। अब हम खाना खाके रेस्ट गरेंगे, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लग में। कीप ब्लगिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू, बाय बाय।